T20 वर्ल्ड कप 2022 क्वालिफायर का आखिरी मैच स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया, जिसमें जिम्बाब्वे की टीम ने जीत हासिल करने के साथ ही सुपर 12 में अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2022 के क्वालिफाइंग मुकाबले खत्म हो गए हैं। अब महामुकाबला 22 अक्टूबर से सुपर 12 के बीच शुरू होगा, यानी दुनिया की टॉप 12 टीमें वर्ल्ड कप खिताब के लिए आमने सामने होंगी। दरअसल क्वालिफाइंग मुकाबले के आखिरी मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 132 रन ही बना सकी। स्कॉटलैंड के लिए सबसे ज्यादा रन जॉर्ज मुनसे ने बनाए, उन्होंने 51 बॉल का सामना किया और 54 रन की पारी खेली। वहीं कैलम मैकलियोड ने 26 बॉल पर 25 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा दो विकेट तेंडई चतारा और रिचर्ड नगारबा ने लिए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम ने 18.3 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे की ओर से सबसे ज्यादा रन क्रेग एरविन ने बनाए, उन्होंने 54 बॉल में 58 रन की पारी खेली। वहीं सिकंदर राजा के बल्ले से 23 बॉल में 40 रन निकले। वहीं भारत सुपर 12 के ग्रुप 2 में है और इस ग्रुप की 6 टीमें फाइनल हो गई हैं। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम मुकाबला खेलेगी। पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को होना है। वहीं ग्रुप 1 में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और आयरलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। INS की रिपोर्ट।